डियर फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू देशन ऑफ यूनिट लिंकोरेंस प्लानिप आपको पहले बताता हूँ क्या यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यूलिप इज एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट वेयर अमाउंट इज गिवन टू द इंश्योरेंस कंपनी अ पार्ट ऑफ द अमाउंट इज डिरेड बाई द इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस कवर एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द insurance company in a stock market and for investment made by the insurance company in a stock market the policy holder is given an equivalent unit hence it's a name unit link insurance plan Abhi tak in unit taxation treatment ta upon maturity maturity means policy holder survives till, till the tenure of the ulip and thereafter he gets the money after the maturity of the policy abitak means it means up to previous year 2021-22 20, the taxation of the ULIP was at par with the normal insurance product but from 21-22 a major change has been done in the taxation of unit-linked insurance plan in respect of the money received on maturity यहाँ मैं मैच्योरिटी का मतलब आपको क्या लेना चाह रहा हूँ मैच्योरिटी का मतलब मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूं जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई मैच्योर कब हुई है और पॉलिसी होल्डर ने सर्वाइव करा है टिल द टेन्योर और टेन्योर पूरा हो गया उसके बाद पॉलिसी मैच्योर हो गई इन दैट केस वी आर इन दैट सिनेरियो वी आर स्टडिंग द टैक्सेशन ऑफ यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान अब मैं आपको बताता हूं कि अप टू प्रीवियस ईयर 2122 हाउ वाज द मनी रिसीव अगेंस्ट यूलिप वाज ट्रीटेड इट वाज एट पार विद द नॉर्मल इंश्योरेंस प्रोडक्ट मैं आपको मेजर चीजें बताता हूं समराइज कराता हूं इफ यूलिप इज इशूड ऑन और आफ्टर 1 4 2003 बट बिफोर 31 मार्च 2012 पीरियड के दौरान अगर यूलिप पॉलिसी इशूड हुई है तो अमाउंट रिसीव ऑन मेचोरिटी विल बी इफ एनुअल प्रीमियम नॉट एक्सीड ट्वेंटी परसेंट ऑफ समल प्रीमियम एक्सीड ट्वेंटी परसेंट उसकी टेक्सीबिलिटी में आपको यहाँ बताऊंगा मीन्स अगर नॉर्मल कोर्स में एक चार दो हजार तीन से इकतीस मार्च दो हजार बारह के बीच में यूलिप पॉलिसी इशूड हुई है

एक ब्लॉक आपका क्या बना वन फोर जीरो थ्री से लेके इकतीस मार्च बारह के बीच में पॉलिसी इशू हुई और एक पॉलिसी इशू हुई वन फोर ट्वेल्व ऑनवर्ड्स इस केस में और आपकी यूलिप का जो पैसा मिला है वो एग्जाम होगा इफ एनुअल प्रीमियम इज अप टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ सम एश्योर और अगर एक

और अगर पॉलिसी दो केस में मैच्योर होती है एक तो जब उसका टेन्योर पूरा हो जाए एक पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए दोनों केस में हम पॉलिसी को मैच्योर होना बोलते हैं अगर पॉलिसी मैच्योर हुई है ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योरर, देन नथिंग इज टैक्सेबल इवन दो एनुअल प्रीमियम एक्सीड ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन परसेंट और टेन परसेंट ऑफ पॉलिसी आज की डेट में भी किसी ने पॉलिसी ले रखी है से किसी ने पॉलिसी ली है उजेंड एटीन को वेयर बाय द वेयर बाय प्रीमियम इज टैक्सेबल ये जितना चेंज हुआ ये जो मैं टैक्सेशन ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ ये कब हुआ है? जब पॉलिसी इज बिंग इशूड आफ्टर वन टू ट्वेंटी वन इससे पहले जो भी पॉलिसी इशू हुई है

if the sum assured exceed 20% or exceed 10% oblique 15% in this case the amount received is taxable under the head income from other sources and the quantum of amount taxable will, will be the net amount net amount means amount received against ulip less premium paid that is a net amount अब ये सारा टैक्सेशन ट्रीटमेंट अब चेंज कर दिया गया है अगर पॉलिसी एक फरवरी 2021 के बाद इशू करी गई है ये मैं आपको समझाता हूँ मैं आपको बता दूं ये सी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है टैक्स अमेंडमेंट है क्योंकि ये अमेंडमेंट ट्वेंटी वन टू प्रीवियस ईयर में इशू हुई है इसके कारिस्पॉन्डिंग रूल्स इशू हुए थे मार्च 22 में जून 22 में इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया नवंबर 22 में इसके आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स को इसको अगर ध्यान से करेंगे इट विल डेफिनेटली हेल्प अब मैं आपको बताता हूँ टैक्सेशन ऑफ यूलिप वेयर पॉलिसी इज बिंग इशूड आफ्टर ऑन और आफ्टर वन टू ट्वेंटी वन क्योंकि इस दिन बजट आया था इस दिन बजट के बाद ये सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए थे इसलिए ये डेट एक दो दो हजार इक्कीस की गई है अब मैंने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है बेसिक कंडीशंस आर ब्रीच एंड एनुअल प्रीमियम इज अप टू टू पॉइंट फाइव लैक्स बेसिक कंडीशन ब्रीच का यहाँ पे हमारा मतलब हो रहा है आपका कि एनुअल प्रीमियम इज आइदर इन एक्सेस ऑफ ट्वेंटी परसेंट 10% और 15% परसेंट ऑफ द प्रीमियम डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ड्यूरिंग विच पॉलिसी वॉज इशूड इस केस में द अमाउंट रिसीव अगेंस्ट यूलिप

अब एक केस सिनेरियो लेते हैं बेसिक कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड एनुअल प्रीमियम इज अप टू टू पॉइंट फाइव मीन्स यहाँ पर हमने बोला था बेसिक कंडीशन ब्रीच हो गई यहाँ पे बेसिक कंडीशन हम सेटिस्फाइड कर रहे इस केस में हमारी जो है अमेंडमेंट्स मेजर अमेंडमेंट्स आई है वो मैं आपको बताता हूँ अभी मैं आपको समरी बता रहा हूँ देन गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको समझाता हूँ अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट पॉलिसी विल बी exempt एज पर exemption प्रोविजन स्टेटेड बिलो Exemption अभी मैं इसको जितने मैंने इस सिनेरियो बनाए हैं इन सिनेरियो को मैं एक्सप्लेन हमने यहाँ पे करा ऑल यूलिप मेच्योर इन सिंगल ईयर ऑल यूलिप में दो सिनेरियो बन रहे हैं अ पॉलिसी होल्डर अ सिंगल यूलिप और अ पॉलिसी होल्डर अ मल्टीपल यूलिप पर दोनों यूलिप जो मैच्योर हो रहे हैं दे आर गेटिंग मैच्योर इन सिंगल ईयर ये दूसरा सिनेरियो यूलिप मैच्योर इन अ डिफरेंट ईयर्स। इट मीन्स यहाँ पे भी दो सिनेरियो बन रहे हैं अ पॉलिसी होल्डर अ सिंगल यूलिप और अ पॉलिसी होल्डर टेकन अ मल्टीपल यूलिप बट यहां पे अगर मल्टीपल यूलिप लिया है तो उस केस में आपका अगर डिफरेंट ईयर्स में मैच्योर हो रही है तो एग्जेंशन कैसे गवर्न करेगी दिस इज अ मेजर चेंज ये सीबीडी ने एक सर्कुलर के थ्रू भी एक्सप्लेन करा है जो मैंने यहाँ पे सारी चीजें नीचे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करी है अब यहाँ पे हम नीचे दोबारा नए सिनेरियो दूसरे सिनेरियो पे आते हैं जहा बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है मीन्स एनुअल प्रीमियम इज अप अपनी परसेंट टेन परसेंट और फिफ्टीन परसेंट ऑफ समीमियम इज बियल ढाई लाख से ज्यादा है इस केस में अगेन देर इज एन अमेंडमेंट जहां टैक्सीबिलिटी पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है अभी तक हमने ऊपर पढ़ा जो टैक्सीबिलिटी थी इट वॉज अंडर द्रॉम अदर सोर्सेस अब यहाँ पे टैक्सेबिलिटी कब टैक्सेबिलिटी चेंज कब होगी बेसिक कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बेसिक कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बट एनुअल प्रीमियम एक्सीड 2.5 लाख फाइव मीन्स द मेन अमेंडमेंट इज अगर आपका एनुअल प्रीमियम ढाई लाख से ऊपर है किसी भी प्रीवियस ईयर में इन दैट केस द न्यू टैक्सीबिलिटी विल बी गवर्न ऑफकोर्स बेसिक कंडीशन आर सेटिस्फाइड

लिस्टेड इक्विटी शेयर सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज जब जब हम जब हम कर, ए, मिलती है बिल्कुल उसके कर दिया गया अब यहाँ पे भी दो चीजें करी गई है अमाउंट इज रिसीव फर्स्ट टाइम अगेंस्ट यूलिप ये क्या चीज है मैंने आपको बताया यूलिप में जब पॉलिसी होल्डर इन्वेस्ट करता है तो उसका कुछ पैसा इंश्योरेंस चार्जेस के लिए डेक्ट हो जाता है एंड रिमेनिंग इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड अगेंस्ट विच इंश्योरेंस कंपनी Gives unit to the policyholder. There is a possibility unit holder can redeem, can withdraw, can redeem part of the units in a year, and the remaining part he will receive on a maturity. Hence, law has provided the two scenario. If the amount is received first time against the ULIP, and in second case, if amount is received subsequently. Now, what is a taxation treatment? The first of all.

redeem or a mature or then it will the taxation will it will be treated as a short term capital asset short, and treatment will be short term capital gain if ulip is being matured after 12 months it will be long term capital asset tax rate 10% without indexation in excess of 1 lakh for ltcg and 15% for stcg just like

अमाउंट रिसीव्ड जितना अमाउंट बाद में रिसीव हुआ लेस प्रीमियम पेड आफ्टर डेट ऑफ फर्स्ट रिसीव्ड ऑफ़ अमाउंट टिल द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ सब्सिक्वेंट अमाउंट सिंपल एग्जांपल से मैं आपका लेता हूँ सपोज अ टेक अ पॉलिसी ऑन वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से उसने पॉलिसी रिडीम कराई पार्ट ऑफ दिडीम से थ्री लाख रुपीज ही रिडीम पार्ट ऑफ द यूनिट्स ऑन थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी एट रिडीम उसने कराया और रुपीज ट्वेंटी लैक्स मीन्स उसने कितना प्रीमियम पे करा ट्वेंटी वन का पे करा ट्वेंटी टू का थ्री लैख्स पे करा ट्वेंटी थ्री का थ्री लैक्स पे करा ट्वेंटी फोर का थ्री लैक्स पे करा ट्वेंटी फाइव का थ्री लैक्स पे करा ट्वेंटी सिक्स का थ्री लैक्स पे करा ट्वेंटी सेवन का थ्री लैक्स पे करा ट्वेंटी एट का थ्री लैक्स पे करा इसका मतलब उसने प्रीमियम पे करा आपका कितना ट्वेल्व एंड फिफ्टीन ये जो अमाउंट हमने यहाँ से लेस करा लेस प्रीमियम पेड फिफ्टीन लैख रुपीज फाइव लैक्स विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट नौ now सपोज suppose, now suppose, अब आगे उसको उसने फिर अगेन पे करा प्रीमियम पॉलिसी अभी कंटिन्यू हो रही है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थर्टी वन को रिमेनिंग यूनिट उसने मेच्योर करा लिया तीन साल का प्रीमियम पे हो रहा है ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन तीन तीन लाख रुपये पे हो रहे लाख रुपए पे हुए से उसको यहाँ पे मिले के वक्त लाख तो यहाँ पे जो गेन है आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अगेन होल्डिंग पीरियड सेम ट्वेल्व मंथ एंड द टैक्स रेट सेम टेन परसेंट विदाउट इंडेक्सेशन इन एक्सेस ऑफ वन लैख यहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे जो टैक्सेशन ट्रीटमेंट यूलिप का प्रिस्क्राइब कराया गया है अंडर अगुलेशन इट्स सिमिलर टू दी टैक्सेशन ऑफ सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज मैं आपको दोनों तीन कंडीशन है फटाफट एक बार समराइज कराता हूँ बेसिक कंडीशन ब्रीच हुई है एनुअल प्रीमियम इज टू पॉइंट फाइव लैक्स द टैक्सेशन ट्रीटमेंट रिमेन सेम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नेट अमाउंट अमाउंट रिसीव लेस प्रीमियम पेड

िटी इफ अमाउंट इज रिसी होल्डर इट मीन इवन आपका पॉलिसी होल्डर नथिंग इज टैक्सीबल दिस इज दिस एग्जिबिशन इज बिंग गिवन ऑन अंटेरियन ग्राउंड जो पहले थी वो अभी भी न्यू रेगुलेशन में न्यू रिजाइम में सस्टेन करिए नाउ द मेन कम्स एग्जिशन क्योंकि यहां पर एग्जिमिशन में सीबीडी का सर्कुलर नेग्जाम्पल एंड आई होप आई ट्रूली होप की अगेंस्ट होगा अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जिमशन फ्रॉम टेक्सेशन वेयर बेसिक कंडीशन आर सेटिस्फाइड एंड द एनुअल प्रीमियम अपू टू पॉइंट फाइव लैक्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंटरियोज बन रहे हैं लेट मी टेक डिफरेंट अ पॉलिसी होल्डर टेकन अ सिंगल एंड द एनुअल प्रीमियम पेबल फॉर एनी प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड टू पॉइंट फाइव लैक्स इन दिस केस देयर विल बी नो टैक्सेबिलिटी एंटायर अमाउंट रिसीव ऑन मेच्योरिटी इज एक्ट मीन्स पॉलिसी होल्डर ने सिंगल पॉलिसी लिए सिंगल यूनिट पॉलिसी लिए और किसी भी ईयर में एनुअल प्रीमियम ढाई लाख से ऊपर एक्सीड नहीं हुआ है उस केस में जो भी पैसा मेच्योरिटी पे मिलेगा वो एग्जाम द मेजर चैलेंज कम्स वेयर and policy holder has taken a multiple unit is case mein different permutation combinations bane wo main cheez hai wo main aapko explain karta hu multiple unit mein aggregate premium payable for all unit for any previous year does not exceed 2.5 lakhs In this case, और यहाँ पे मैं आपको चीज बता दू यहाँ पे हम जितने भी अभी scenario कर रहे हैं हम यहाँ पे कौन सा सिनेरियो कर रहे हैं अमाउंट इज रिसीव फर्स्ट टाइम अगेंस्ट यूलिप इट मींस कि पॉलिसी होल्ड पॉलिसी जो हो रही है वो सेम ईयर में अभी मैच्योर होंगी मल्टीपल पॉलिसी नीचे मैं केस बिल्ड करूंगा जहां पे पॉलिसी डिफरेंट ईयर में मैच्योर होगी बट वो अभी इस लेक्चर में कवर मैं नहीं करूंगा यहाँ पे हम लेक्चर में भी क्या कवर कर रहे हैं कि आप पॉलिसी होल्डर अ मल्टीपल यूलिप एन ऑल यूलिप इज गेटिंग मेच्योर इन अ सेम ईयर और मेच्योरिटी में दोबारा बोल दू यहाँ मेच्योरिटी में डेथ के वाले केस में नहीं कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि तो डेथ के केस में मेच्योरिटी को एग्जेंट कर दिया गया यहाँ मेच्योरिटी वो ले रहा हूं जो पॉलिसी का टेन योर पूरा हो चुका है एनुअल प्रीमियम यहाँ पे हमने मल्टीपल यूलिप में केस लिया पहला कि जहां पर मैंने मल्टीपल यूलिप तो लिए बट माई एग्रीगेट प्रीमियम फॉर ऑल यूलिप

On transfer of those ULIP will be exempt where aggregate premium payable for those ULIP for any previous year does not exceed यहाँ पे सारी की सारी technicality है ये मैं आपको simple भी समझाता हूँ example से बताता हूँ अब policy holder है क्या ना तीन ULIP तीनों ULIP का मिला के एग्रीगेट प्रीमियम इज एक्सीडिंग 2.5 पॉइंट फाइव लैक्स बट एग्जन सिर्फ मेच्योरिटी पे उस यूलिप की मिलेगी जिस यूलिप प्रीमियम ढाई लाख से ऊपर नहीं गया है ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ पॉलिसी होल्डर यूलिप ऑन वन फोर ट्वेंटी वन मैंने डेट क्यों लिया बिकॉज ये नया टैक्सेशन कब गवर्न होगा वेन पॉलिसी इज आफ्टर वन टू ट्वेंटी वन इसलिए मैंने के लिए प्रीवियस इन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू की बिगनिंग की डेट ले लिया पॉलिसी यहाँ पे कब इशू हुई एक चार इक्कीस को एक चार इक्कीस को पॉलिसी होल्डर इस टू पॉलिसी एनुअल प्रीमियम इज वन लैख वन लेख द एग्रीगेट प्रीमियम ऑफ

so nothing will be taxable let's take another example you will pay you will be ab do policy again policy holder ne liye ab jo aggregate premium hai it exceed 3 lakhs ab kaun si policy ka paisa maturity pe exempt hoga wo check karte hain अब यहाँ पे दो लाख उसने एनुअल प्रीमियम दिया यहाँ पे उसको पैसा कितना मिल रहा है ट्वेंटी टू लैक्स यहाँ पे एनुअल प्रीमियम कितना है वन लैख यहाँ पे कंसिडरेशन कितना मिल रहा है उसको इलेवन लैक्स इन दिस केस दोनों पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम इन एग्रीगेट इज एक्सीडिंग टू पॉइंट फाइव लैक्स बट इनडिपेंडेंटली ढाई लाख से नीचे तो पॉलिसी होल्डर ऑन द फेस आइदर यूलिप ए और यूलिप बी दोनों में से किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट एग्जेम्शन ले सकता है पर दोनों के अगेंस्ट एग्जेम्पन नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि एनुअल प्रीमियम दोनों का मिला के ढाई लाख से ऊपर हो गया अब दोनों में वो कौन से करेगा क्यों क्योंकि यहां का टैक्सेशन अमाउंट कम आएगा टैक्सेशन कितना आएगा मैं आपको बताता हूँ इस केस में कंसिडरेशन कितनी मिली उसको इस केस में कंसिडरेशन मिली ट्वेंटी टू लैक्स उसने दस साल टेन ईयर्स प्रीमियम पे करा है। कराया एक मिनट में, में चेक कर लेता हूँ ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी थर्टी माई मिस्टेक इट्स नॉट टेन ईयर इट्स नाइन ईयर तो एनुअल प्रीमियम पेड इज टू लैक्स इंटू नाइन एटीन लैक्स तो हेयर द गेन इज दो यहाँ पे गेन कितना आया ग्यारह लाख रुपए यहां प्रीमियम कितना पे करा नौ लाख तो कितना गेन आया दो लाख सिंस इस केस में ये वाला गेन ज्यादा है तो पॉलिसी होल्डर यूलिप ए के अगेंस्ट एग्जेपन क्लेम करेगा नॉट यूलिप बी यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि दोनों पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम इज एक्सीडिंग टू पॉइंट फाइव लैक्स बट एग्जन उसी के अगेंस्ट मिलेगी जिसका प्रीमियम ढाई लाख से नीचे दोनों पॉलिसी का प्रीमियम ढाई लाख से नीचे है पॉलिसी होल्डर चाहे तो यूलिप ए और यूलिप बी में दोनों में से किसी में भी एग्जामेशन ले सकता है बट इज अ रेशनल पर्सन सो ऑब्वियसली ही टेक एग्जन फ्रॉम यूलिपे बिकॉज उसमें टैक्स ज्यादा है उसका टैक्स उस, गेंद ज्यादा है उसका टैक्स इसमें ज्यादा सेव होगा अब ये केस लेते यूलिपे यहां पर पे भी एग्रीगेट प्रीमियम कितना आ रहा है एक्सीडिंग टू पॉइंट फाइव लैक्स बट यूलिपी के अगेंस्ट तो एक्जन मिलेगी नहीं क्यों यूलिप बी का एनुअल प्रीमियम इन इट सेल्फ एक्सीड्स रुपीज टू पॉइंट फाइव लैक्स सो यूलिप ए के अगेंस्ट एग्जिबिशन मिलेगी सिर्फ जिस ईयर में पॉलिसी मैच्योर मेच्योर अब आगे केस बिल्ड करते हैं यूलिप ए यूलिप बी यूलिप सी तीन पॉलिसी लिए अलग अलग एनुअल प्रीमियम अगेन टू पॉइंट इस केस में यूलिप बी की एग्जामेशन तो रूल आउट हो गई क्यों उसका एनुअल प्रीमियम एक्सीड टू पॉइंट फाइव लैक्स बट यूलिप ए और यूलिप सी इन दोनों का प्रीमियम इन दोनों का प्रीमियम मिला के ढाई लाख तक है एनुअल प्रीमियम हैं इन दोनों के अगेंस्ट मुझे एक्जन मिलेगी सिंपल रूल क्या हो रहा है हमको अगर मल्टीपल यूलिप है हमको ये चेक करना है एनुअल प्रीमियम ढाई लाख से ऊपर है उस केस में देन वी हैव फाइंड आउट यूलिप्स इंडिपेंडेंट एनुअल प्रीमियम और प्रीमियम विद विदर अदर अदर यूलिप इज अप टू पॉइंट फाइव अगर ऐसा केस है तो उन दोनों यूलिप के अगेंस्ट एक्जन मिलेगी मैच्योरिटी पे यहां पे दोनों यूलिप का अमाउंट कितना आ रहा है टू लैक्स टू फिफ्टी टू टू फिफ्टी दोनों के मिलेगी अब यहां पे नेक्स्ट एग्जाम्पल बिल करते हैं हम लोग तीन यूलिप ली दो लाख एनुअल प्रीमियम दो लाख तीन लाख एक लाख एग्रीगेट एक एक प्रीमियम एक्सीड टू पॉइंट फाइव बट यहाँ पे एस चाहे तो यूलिप ए या यूलिप सी के अगेंस्ट एग्जिमेशन ले सकता है दोनों के अगेंस्ट उसको एग्जिमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि दोनों का प्रीमियम एनुअल प्रीमियम ढाई लाख रुपए से एक्सीड कर गया तो उसको एग्जिमशन किसके अगेंस्ट मिलेगी आइडर ए और सी बट अगेंस्ट क्योंकि टैक्स इसके अंदर ज्यादा आ रहा है यूलिप ए के अंदर टैक्स ज्यादा आ रहा है असेसी विल प्रेफर टू टेक एग्जिमिशन अंडर दिस फॉर यूलिप ए तो यूलिप बी और यूलिप सी का एग्जिमिशन उसे नहीं मिलेगी नौ केस टेक फॉर यूलिप यूलिप ए यूलिप बी यूलिप सी यूलिप डी हेयर द पॉइंट फॉर कंसिडरेशन इज मैंने यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू तीन यूलिप की सेम ली है और फोर्थ यूनिट की आई हे टेक डिफरेंटेड अब तीनों का चार पॉलिसीज है चारों का एनुअल प्रीमियम इज कमिंग टू बी दी लाख रुपीज इट्स इन टू पॉइंट फाइव लैक्स में किस में मिलेगी एग्जेब इज अवेलेबल फॉर यूलिप डी एस प्रीमियम इन ट्वेंटी ट्वेंटी दिस इज माई मिस्टेक इट इज नॉट ट्वेंटी ट्वेंटी वन इट्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू डॉट एक्सीड

इसका प्रीमियम और इसका प्रीमियम ढाई लाख से ऊपर हो जाएगा इसका और इसका ढाई लाख से ऊपर हो जाएगा ये रूल आउट हो गया बट इसका, इसका प्रीमियम क्योंकि ढाई लाख तक की रेंज में है हैंस, पे इस पे भी एग्जेपन मिल जाएगी आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको क्लियर है मैंने नीचे एक... मेंशन भी कर दिया है डी पे मिलेगी एग्रीगेट प्रीमियम इन रेस्ट ऑफ ईयर इज मोर प्रीमियम डज नॉट एक्सीड टू पॉइंट फाइव लैक्स exemption कैन नॉट बी क्लेम फॉर ए बी इज B is ऑब्वियसली रूल आउट हो गया क्योंकि उसका independent प्रीमियम ही तीन लाख रुपए से ज्यादा है You, अब टेक्निकलिटी और बिल्ड करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट विल अगेन मैंने यहाँ पे डेट कौन सी ली है डेट वेयर द न्यू टैक्सेशन डिजाइन हैज नॉट इन टू फोर्स अब यहाँ पे द इट विल द टैक्सेशन विल बी गवर्न बाय द ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे एनुअल प्रीमियम कितना है वन लैख सम है थर्टीन लाख रुपीज है तो सम एश्योर्ड इज लेस देन टेन सॉरी एनुअल प्रीमियम एनुअल प्रीमियम इज लेस देन और अप अपून परसेंट ऑफ सम हेंस दिस समिस टैक्सेशन ऑफ दिस यूलिप डी विल बी गवन बाय द ओल्ड हेंस इट्स एक्ज सिंपली ना कम्स दर केस अब यहाँ पे यूलिप ए यूलिप बी और यूलिप सी ये सब आपके नए नए टैक्सेशन में गवर्न करेंगे अब यहाँ पे इफ स्टूडेंट अगेन सी एनुअल प्रीमियम इज एक्सीडिंग हाउ मच 2.5 पॉइंट अगेन असेसी हैज ऑप्शन टू सी क्या इनडिपेंडेंट किसी का ढाई लाख से नीचे है या किसी दो पॉलिसी का प्रीमियम मिला के ढाई लाख से नीचे है तो दोनों पॉलिसी पे मिलेगी या उस पॉलिसी पे मिलेगी जिसका प्रीमियम ढाई लाख से नीचे अब यहाँ पे दो लाख तीन लाख तो ऑब्वियसली रूल आउट हो गया क्योंकि इसका तो प्रीमियम ढाई लाख से ऊपर है ये दो लाख और एक लाख इन दोनों को इकट्ठे मिल नहीं सकती एग्जिमशन क्योंकि दोनों का प्रीमियम ढाई लाख से क्रॉस कर गया किस Again, किस आ, यु, because taxation, because तो किसकी मिलेगी आइदर ए और सी अगेन एस एस सी किसकी एग्जेपन प्रीफर करेगा एग्जेपन प्रीफर करेगा एस एस सी यूलिप ए की बिकॉज टैक्सेशन बिकॉज कैपिटल गेन इज लेस अंडर यूलिप ए एज कंपेयर टू यूलिप सी तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट सिनेरियो बिल्ड करे कि यहाँ पे किस इन केस ऑफ मल्टीपल यूलिप हाउन देशन विल बी गवर्न कीपिंग इन माइंड द बेंचमार्क लिमिट ऑफ टू पॉइंट फाइव लैक्स फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं मल्टीपल एस्पेक्ट कवर कब हो रहे हैं बेसिक कंडीशन टेन ट्वेंटी फिफ्टीन परसेंट ऑफ प्रीमियम वाली कंडीशन ब्रीच हुई एनुअल प्रीमियम ढाई लाख तक है ये कंडीशन कब even policies issued in a previous year 21-22, then it will be governed by the old taxation regime. basic conditions satisfied ho gayi premium 10 20 15 से रेंज में annual premium 2.5 लाख से ऊपर है us case mein the technicality lies where there are multiple ulips and they are getting mature in same year i am not covering this part in my lecture which i will take up in a another lecture और इस केस में मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से ये चीजें एक्सप्लेन करी अगर सिनेरियो क्या बनता है टेक्सीबिलिटी जब बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है बट एनुअल प्रीमियम इज एक्सीडिंग 2.5 पॉइंट फाइव लैक्स इन दिस केस द टैक्सेशन इज प्योरली अंडर अ दिस प्योरली अंडर अदर इज टैक्सेबल अंडर दैपिटल गेन एंड सेम इज टेक्सेशन ऑफ दी ट्रांसफर सेल ऑफ इक्टीपल मल्टीपल पॉसिबिलिटी एग्जामिनर को इस केस में इवेल्युएशन के लिए काफी पॉइंट है तो आई होप ये चीज स्टूडेंट्स को क्लियर हुई होगी अगर आपके इसमें कोई भी डाउट आते हैं यू आर मोस्ट वेलकम टू व्हाट्सअप मी ऑन द नंबर विच इज रनिंग थ्रू दिस वीडियो और कोई भी डाउट आते हैं यू कैन कॉल मी